हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? 1 सेंटीमीटर को फिट में कैसे बदलें, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना रहता है आपका? 1/3048 फिट रहता है। यानी यदि हम इतने सेंटीमीटर को फिट में बदलना चाहेंगे तो क्या करना है? बिल्कुल सिंपल है। देखिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ रहा है। यदि यहाँ पे इतना वैल्यू आ गया तो यहाँ 1 की जगह ये आपका वैल्यू आ गया, तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा? यही वैल्यू आ जाएगा। डिवाइड नीचे कितना पड़ा है, किस में, फिट में, यानी कितना आ गया आपका बच्चों? 1 फिट बराबर सेंटीमीटर वैल्यू आ गया। अब देखिए, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 100 सेंटीमीटर को बदलना होता तो क्या है? बिल्कुल सिंपल है। यहाँ 1 की जगह क्या है, क्या आ गया? 100। तो यहाँ कितना आ जाता है? 100। 100 में हम किसका डिवाइड करते हैं? 3.048 का, तो वो किस में चला जाता? फिट में। यानी किसी भी संख्या में जब हम 30.48 का डिवाइड करते हैं तो आपका सेंटीमीटर वैल्यू से सेंटीमीटर जो वैल्यू दे रखा वो किस में चला जाएगा? फिट में चला जाएगा।